से बुलाया, अंदर लेटर लिया, थप्पा लगाया, जाइए, जो होगा हो जाएगा, ठीक है। तो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ऐसे लेटर तो मैं डाक से भी भेज सकती हूँ। सबसे पहली बात तो मेरी ये, दूसरी बात हमारी जो हमारी ये है बाल विकास मंत्री जो हमारे डायरेक्टर हैं पूरे देश के, उनसे हम लोगों की वार्ता, बैठ जाइए ना, ठीक है, उनसे हम लोगों की वार्ता हुई है और मैं उस वार्ता से भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्यों सेटिस्फाई नहीं हूँ? तीन मुद्दों पे मैंने बात की तो उन वो मेरे तीनों में से एक मुद्दे का उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो सेटिस्फाई होने का मेरा मतलब नहीं है। जैसे अभी तभी हाँ हमें मीडिया बंधुओं से पता चला है कि वहाँ से ये कहा जाता है कि सन 2019 में हम बढ़ा देंगे, वहाँ से अंदर से ये कोई आश्वासन नहीं है। जो भी मेरी बहनों को इस तरीके से गुमराह कर रहा है वो अंदर दलाल है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, वहाँ अंदर ये इस चीज़ का कोई आश्वासन नहीं है अंदर। दूसरी बात, हमने उनसे कहा कि जब पांडेचेरी तमिलनाडु में आंगनवाड़ियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया तो मोदी जी ने देश के अंदर ही द्वेष भावना क्यों पैदा कर रखी है? पूरे देश की आंगनवाड़ी एक, पूरे देश की आंगनवाड़ी का काम एक, तो हम लोगों को क्यों सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जा सकता? पूरे देश में एक नियम क्यों नहीं लागू करते हैं मोदी जी? तो उन्होंने कहा कि यहाँ से सिर्फ आपको मतलब हम लोगों ने सिर्फ एक योजना बनाई है, बाकी काम सरकारों का है, सरकारों का क्यों काम है? तो ठीक है, आपको जहाँ पांडेचेरी में है परमानेंट है, तो क्या वो आंगनवाड़ी कोई अलग काम करती है? ICDS का तो पूरे देश का उद्देश्य एक है, क्या उद्देश्य है? कि मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को कम करना। अगर देश के अंदर इससे अलग आंगनवाड़ियों से जो काम राज्य सरकारें ले रही हैं तो उसमें राज्य सरकारें ही एक्स्ट्रा मान दे दें, तो पूरे देश में योगी जी ने हम महिलाओं के साथ ये सबसे बड़ी द्वेष भावना और अत्याचार हम लोगों के साथ कर रखा है। और मैं चैलेंज के साथ मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि आज तो हमारी वाह हकीकत में हम लोग एक सांकेतिक धरना करने के लिए यहाँ आए थे, अपनी बात मोदी जी तक पहुँचाने आए थे, चाहे वो मुझे जेल भिजवा दें, चाहे मेरे ऊपर केस लगवा दें, चाहे मेरा मर्डर करवा दें, लेकिन मैं उनकी किसी बात से सहमत नहीं हूँ। और वादा करती हूँ कि सन 2019 के चुनाव में जहाँ बीजेपी के नेता का मंच लगेगा, उसी के सामने मेरी आंगनवाड़ी बहनों का मंच लगेगा। हम यही काम करके रहेंगे, जहां उनके नेता का मंच, उसके सामने मेरी आंगनवाड़ी बहनों का मंच। और जड़ से जमीन से हम जुड़े हुए हैं, वो खोखले नेता है, हम खोखले नेता नहीं है, हम जमीन के हैं। अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बुलाएंगे और उनकी सारी कमियां और सारी गतिविधियां जो इन 5 सालों की हैं वो उनके मंच के सामने से वहीं उसका जम के विरोध करेंगे। आप लोग तैयार हो या नहीं? तैयार है। पूरे भारत में सन 2019 में आंगनवाड़ी अपने अपने बच्चे, अपने परिवार सबको इस चीज को उतारना है और जम के इस चीज के लिए हमें वर्करी करनी है। अगर वर्करी आप लोगों को करनी है तो ये आपकी बहन आपके लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगी कि संख्या बल आप लोगों को बढ़ाना है, अपने अपने जहाँ जहाँ हम लोगों के संगठन है पूरे देश में, आप अपने संगठन में फैला दीजिए, एक दूसरे को तोड़ने की, काटने फीटने की बात मत करिए। जो दलाल नेता अंदर से जाके सेटिंग करके आके कह रहे हैं कि सन 2019 में हो जाएगा, अरे 3.5 साल पूरे होने जा रहे हैं, चुनाव सिर पे, तैयारी हो गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। और मैं आप लोगों को भरम में नहीं रखूंगी, बिल्कुल नहीं रखूंगी, स्पष्ट बोलती हूँ, चाहे गलत हो चाहे सही हो, न कभी गलत का साथ दिया है, न भविष्य में कभी गलत का साथ दूंगी। अगर जो गलत करेगा तो मैं बिल्कुल आप लोगों से हाथ जोड़ के कह दूंगी, बहनों अब मेरे बस की नहीं है, मैं अपने घर, आप लोग जिसको अपना नेता चुनना चाहती है आप लोग चुन लें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी यही कहूंगी, जितनी मेरी बहनें यहाँ हैं सबसे यही कहूंगी कि इस संगठन का नेतृत्व ईमानदारी से करिए। मैं झूठ की रास्ते पर मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं अभी आप लोगों से कह देती ये मांग पूरी होगी, ये मांग पूरी होगी, मैं आपसे ऐसा भरम नहीं करूंगी। हाँ इतनी बात जरूर हुई है कि जो हमारा ये है 10 साल बाद प्रमोशन वाला, उसमें भी हमारे साथ द्वेष भावना है, कहीं हर जो है हर 10 साल बाद प्रमोशन हो जाता है, जहाँ यूपी में वो भी नहीं है, कहीं कहीं लागू है जैसे सामाजिक सुरक्षा वाला, वो भी आपके कहाँ है? गोवा में है, आपके पांडेचेरी में है, तमिलनाडु में है, उत्तराखंड में है, बाकी देश में वो प्रदेश उसमें कहीं प्रदेश में वो भी लागू नहीं है। ऐसा क्यों? जब नियम एक है तो ये द्वेष भावना क्यों? हम उनसे मोदी जी से पूछना चाहते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, महिला पढ़ाओ महिला, अरे यही दुर्दशा देखने के लिए उन्होंने हम लोगों से वोट मांगी थी, इसीलिए हम लोगों से कहा था
कि नहीं इस बार मुझे बना दो। मैं वादा करती हूँ बहनों, तुमने मेरे से कसम खाई है, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम है। अगर तुम आंगनवाड़ी हितैषी और आंगनवाड़ी की पीड़ा समझते हो तो इस बार मोदी जी को केतली ही थमा देना, गिराएंगे। बता देना कि एक चाय बेचने वाला चाय ही बेच सकता है, उनका परिवार नहीं है तो वो परिवार की पीड़ा नहीं समझते। अगर योगी जी के मोदी जी का परिवार होता, अपने बीवी बच्चों को पाला होता, बच्चे होते तो उन्हें पता होता कि आंगनवाड़ी का वास्तव में कितना दुख है, कितनी ये परेशान है। उनके पास अपना परिवार ही नहीं है तो वो मेरी बहनों की पीड़ा नहीं समझ सकते और ऐसा प्रधानमंत्री देश मलाज नहीं कर सकता।